हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द ग्लैम अप क्वीन। सो गाइस, आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप घर पर किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ 5 रुपए में अपना खुद का DIY नेचुरल और हर्बल सैनिटाइजर बना सकते हैं। और गाइस, ये सैनिटाइजर 100% नेचुरल और 100% इफेक्टिव है, बहुत ही अच्छा सैनिटाइजर है। और गाइस, कोरोना वायरस आजकल चीन और इटली के बाद भारत में भी तेजी से फैलने लगा है। सो गाइस, सारे डॉक्टर जो भी हैं यहाँ के, वो यही सलाह दे रहे हैं कि हाइजीन का ध्यान रखें, हमेशा समय समय पर अपने हैंड वॉश करें, साथ ही साथ मास्क लगा कर रखें। सो गाइस, आजकल क्या हो रहा है कि सैनिटाइजर की भी मार्केट में बहुत ही ज़्यादा कमी हो गई है, काला बाजारी चल रही है। 100 रुपए का सैनिटाइजर 200 रुपए में, 150 रुपए में मिल रहा है। सो गाइस, क्यों ना आप घर पर ही अपना खुद का सैनिटाइजर बनाएं। और गाइस, इसकी प्योरिटी की भी 100% गारंटी है, ये 100% वर्क करेगा। साथ ही साथ साइंटिस्ट ने भी इसको पास किया है कि ये 100% नेचुरल है और साथ ही साथ बहुत ही इफेक्टिव है। सो गाइस, ज्यादा टाइम ना वेस्ट करके चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो कि हमें किस तरीके से अपना खुद का DIY नेचुरल और हर्बल सैनिटाइजर घर पर बनाना है। और गाइस, इसके लिए आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट की भी जरूरत नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ 5 रुपए में आप इसे इजीली बना सकते हैं। सो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हैंड सैनिटाइजर को बनाने के लिए आपको कुछ नीम की पत्तियां लेनी है। सो गाइस, नीम की पत्तियां बहुत ही ज्यादा अच्छी हैं। नीम की पत्तियों में एंटी फंगल, एंटी वायरल, एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज है, जिससे अगर हमारे हाथ पर कोई भी बैक्टीरिया आ गया या फिर कोई भी वायरस आ गया किसी भी चीज को छूने से, तो गाइस अगर हम इसे एज अ सैनिटाइजर में यूज करेंगे तो हमारे जो हाथ है वो बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाएंगे, साफ हो जाएंगे। सो गाइस, उसके बाद आपको ये करना है, आपको कम से कम 15 से 20 तुलसी की पत्तियां लेनी है। सो गाइस, ये तो हर घर में अवेलेबल होती ही है, तुलसी की पत्ती, तुलसी का पौधा हर घर में अवेलेबल होता ही है। सो गाइस, तुलसी की पत्तियाँ भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, इसमें भी एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होती हैं। सो गाइस, उसके बाद आपको लेना है एलोवेरा जेल। अगर आपके पास मार्केट का एलोवेरा जेल है, आपके पास कोई भी एलोवेरा जेल है, आप उसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास घर का फ्रेश एलोवेरा जेल है तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत लोगों के घर पर फ्रेश एलोवेरा जेल भी होता है तो वो उसे भी यूज़ कर सकते हैं। सो गाइस, एलोवेरा जेल भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अगर हम इसे एज अ हैंड सैनिटाइजर में डालकर यूज़ करेंगे तो हमें बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलेगा, हमारे हाथों से जितने भी वायरस है, जो भी बैक्टीरिया है, वो सब के सब एकदम साफ हो जाएंगे। सो गाइस, एलोवेरा जेल के बाद इस सैनिटाइजर बनाने के लिए हमें थोड़ी सी कपूर चाहिए और साथ ही साथ थोड़ी सी फिटकरी चाहिए। सो गाइस, फिटकरी जैसे कि अगर हमारे कोई कट लग जाता है, खून आने लगता है, तो खून को रोकने के लिए भी हम फिटकरी का यूज़ करते हैं। सबके घर में ज़्यादातर फिटकरी अवेलेबल होती ही है। और कपूर भी एक ऐसी चीज़ है जो हम पूजा में यूज़ करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो घर पर ये भी अवेलेबल होती ही है। सो गाइस, इस सैनिटाइजर को बनाने के लिए आपको 1 लीटर पानी लेना है और उसमें आप थोड़े से नीम के पत्ते ऐड कर लीजिए। सो गाइस, नीम के पत्ते डालने के बाद आप इसमें 15 से 20 तुलसी के पत्ते भी डाल दीजिए। सो गाइस, मैंने यहाँ पर तुलसी के पत्ते भी डाल दिए हैं। सो गाइस, अब आपको क्या करना है कि आपको इस पानी को अच्छे से बॉईल करना है। सो गाइस, आपको इसे इतना बॉईल करना है, कम से कम आप इसे 10 से 15 मिनट तक बॉईल करें ताकि जो आपने 1 लीटर पानी लिया वो कम से कम 600 से 700 ml रह जाए। आपको इतना इसे बॉईल करना है और ताकि जो हमारे तुलसी के पत्ते और नीम के पत्ते का जितना भी रस है वो हमारे पानी में अच्छे से चले जाए, इसके सारे जितने भी प्रॉपर्टीज है वो हमारे पानी में चली जाए। सो गाइस, पानी को अच्छे से बॉईल करने के बाद आपको गैस बंद कर देनी है और उसके बाद आपको इस पानी को अच्छे से छान लेना है। सो गाइस, पानी यहाँ पर मैंने अच्छे से छान लिया है। अब हम इसमें थोड़ी सी कपूर ऐड करेंगे और उसके बाद आप इसमें फिटकरी ऐड कर लीजिए। सो गाइस, कपूर और फिटकरी को आपको उसे इस पानी में अच्छे से घोल लेना है। सो गाइस, आपको इस पानी को अच्छे से मिक्स करना है ताकि इसमें जो कपूर और आपकी फिटकरी वो अच्छे से घुल जाए। सो गाइस, देखिए आपको इस तरीके से कम 1 मिनट के लिए इसे मिक्स करना है ताकि इसमें दोनों चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए। और गाइस, कपूर और फिटकरी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, अगर हमारे हाथों पर कोई वायरस आ जाता है या फिर बैक्टीरिया आ जाता है तो वो बहुत ही अच्छे से हटाने में, हमारे हाथों को साफ करने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। सो गाइस, उसके बाद आप इसमें फ्रेश एलोवेरा जेल ऐड कर लीजिए। अगर आपके पास घर का फ्रेश एलोवेरा जेल है आप उसे यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप मार्केट का कोई भी एलोवेरा आपके पास है आप उसे यूज़ कर सकते हैं। आप इसमें कम से कम 2 चम्मच एलोवेरा जेल ऐड कर लीजिए
और गाइस इसको आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है। सो गाइस आप देखेंगे कि जो सैनिटाइजर है इसका थोड़ा थोड़ा कलर चेंज हो जाएगा एलोवेरा जेल डालते ही। सो गाइस देखिए इस तरीके से आपको काफ़ी अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि एलोवेरा जेल सब कुछ अच्छे से मिक्स हो जाए। सो गाइस मिक्स करने के बाद आपको इसे कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए ढककर छोड़ देना है और उसके बाद आप देख सकते हैं कि हमारा हैंड सैनिटाइजर एकदम रेडी है। सो गाइस आप इसे एक ग्लास में स्टेन कर लीजिए और उसके बाद आप इसे किसी भी स्प्रे बॉटल में डालकर अपने पर्स में रख सकते हैं, आप अपने बैग में डालकर रख सकते हैं और जहाँ पर भी आपको लगे कि आपके हाथ गंदे हो गए हैं या फिर आपने किसी चीज़ को छुआ है तो आप इसे वहीं पर ही अपने हैंड्स को अच्छे से साफ कर लीजिए। सो गाइस मार्केट के जो सैनिटाइज़र है उससे आपके हाथों को हार्म भी हो सकता है और उसमें केमिकल होता है तो आपके हाथों को नुकसान पहुंच सकता है। आप घर का नेचुरल हर्बल बनाएं और साथ ही साथ आजकल तो मार्केट में सैनिटाइज़र की बहुत ही ज़्यादा कमी हो गई है, साथ ही साथ सैनिटाइज़र की काला बाजारी चल रही है। सस्ते सस्ता 100 रुपये का सैनिटाइज़र आपको कम से कम 200-250 रुपये में मिलेगा, इतनी ज़्यादा कालाबाजारी हो गई है। क्यों ना आप घर पर ही अपना हर्बल नेचुरल 100% वर्क्स जो करेगा वो आप सैनिटाइज़र घर पर ही बनाएं। सो गाइस इस सैनिटाइज़र की सबसे बड़ी बात यह है कि ये इसे साइंटिस्ट ने भी पास किया है कि ये 100% वर्क करेगा, 100% नेचुरल और हर्बल है, इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, साथ ही साथ इसमें कोई केमिकल मिक्स नहीं है, एकदम नेचुरल है। सो गाइस आप इस टोनर को ज़रूर ट्राई कीजिए। और गाइस सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपनी हाइजीन का अच्छे से ध्यान रखें, समय समय पर अपने हाथों को अच्छे से वॉश करें, सैनिटाइज़र का यूज़ करें और गाइस कम से कम जितना हो सके आप बाहर ना निकलें, अगर ज़रूरत है तो मास्क लगाकर निकलें, बी सेफ, आप घर पर ही रहें और सेफ रहें। सो गाइस आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। बाय बाय, टेक केयर।